मध्य प्रदेश में माननीयों की अब बल्ले बल्ले होने वाली है। विधायकों की 5 साल में संपत्ति में 50% की वृद्धि और 2023 में फिर से चुनाव लड़ रहे 192 विधायकों की संपत्तियों में इजाफा हुआ है। एडीआर की रिपोर्ट में विधायकों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। विधायकों और की औसतन संपत्ति जो है 17,81,00,000 रुपए है और रतलाम से बीजेपी विधायक चेतन कश्यप की संपत्ति सबसे ज्यादा बड़ी है। चेतन कश्यप की संपत्ति में 91,95,00,000 की बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस के 2 विधायक संजय शुक्ला और संजय शर्मा की भी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की संपत्ति में 77,47,00,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति में 13% की वृद्धि हुई है। वहीं कमलनाथ की बात की जाए तो उनकी संपत्ति में भी 9,00,00,000 रुपए का इजाफा हुआ है। 5 साल में देखिए कितने और ज्यादा मालामाल हुए हैं माननीय। और चेतन कश्यप की सबसे ज्यादा इनका इनकम बढ़ा है 91,00,00,000 से ज्यादा। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला और संजय शर्मा की संपत्ति में भी बढ़ोतरी हुई है। संजय शुक्ला काफी ज्यादा इनके पास संपत्ति है और कैलाश विजयवर्गीय को टक्कर दे रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति में 13% का इजाफा हुआ है। कमलनाथ की संपत्ति में 9,00,00,000 रुपए की वृद्धि हुई है। चेतन कश्यप की संपत्ति सबसे ज्यादा 91,45,00,000 की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा अमीर इन 5 सालों में चेतन कश्यप हुए हैं और उसके बाद कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला की संपत्ति में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शब्बीर, एडीआर की रिपोर्ट में खुलकर सामने आया है किस तरीके से माननीयों की संपत्ति में इजाफा हुआ है। बिल्कुल दीपिका, आपने सही कहा, माननीयों की मध्य प्रदेश में बल्ले बल्ले हुई है और उसकी सीधी वजह यह है कि जितने चुनाव लड़ रहे हैं पिछली बार और अभी की तुलना में बात करें, करीब 200 विधायक वापस से चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के, उनकी संपत्ति में 50% के करीब बढ़ोतरी हुई है। ये लगभग एडीआर की रिपोर्ट में साफ हो गया। एडीआर एक एजेंसी है जो विधायकों के, सांसदों के, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनकी रिपोर्ट तैयार करती है, इनके आपराधिक रिकॉर्ड क्या क्या है उसकी जानकारी देती है, इनकी संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है और बाकी तमाम चीज़ों की रिपोर्ट देती है। और उसी एडीआर की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। चाहे हम सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष में रहने वाले विधायकों की भी संपत्ति कई गुना बड़ी है। चेतन कश्यप भले से ही हैं जो रतलाम से शहर से विधायक है, चेतन कश्यप, उनकी करीब 200 करोड़ थी 2018 में। 5 साल में उनकी जो संपत्ति हो 100 करोड़ बड़ी, करीब 300 करोड़ के आसपास पहुंच गई। लेकिन सिर्फ वो अकेले नहीं है जो कैलाश विजयवर्गीय को टक्कर दे रहे, कांग्रेस के मौजूदा विधायक है इंदौर क्रमांक 1 से, उनकी संपत्ति भी बड़ी। और इसके साथ साथ बात की जाए तेंदुखेड़ा से कांग्रेस के विधायक के दूसरे जो है संजय शर्मा, उनकी संपत्ति में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन इन सबके बीच 2 चीजें महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या फिर हम कमलनाथ की बात करें, उनकी संपत्ति में इतनी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीब 1,00,00,000 रुपए, वहीं कमलनाथ की 9,00,00,000 रुपए की बढ़ोतरी। बिल्कुल बिल्कुल, डिटेल्स जानकारी